गुड मॉर्निंग बच्चों। ये बच्चों आप में से बहुत लोग पिछली क्लास में आए क्यों नहीं थे? अच्छा, एक तो इस साल ये सही है ना, हर कुछ भी हो उसका रीजन नेटवर्क इशू ही होता है हमेशा। कौन सा पता चलेगा सच है झूठ है। चलो अच्छा, मैथ्स का खत्म हो गया क्या सिलेबस? ऑलमोस्ट ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक हम थर्सडे वाली क्लास में बच्चों वो डिस्कस करेंगे, वेव ऑप्टिक्स 3A, है ना? अच्छा, 3B बची हुई है। हाँ, तो रे ऑप्टिक्स 3B और वेव ऑप्टिक्स 3A। हाँ जी बच्चों, इसमें कहाँ थे हम? ई पार्ट, यस। बच्चों ई के फर्स्ट का लॉजिक बताओ मुझे। अच्छा, ये मतलब वेवलेंथ से क्या लिंक है, कैसे आता है ई का फर्स्ट? जो सर वेव की वेवलेंथ वो स्लिट विड्थ के आसपास होनी चाहिए। हाँ, तो बच्चों मतलब क्या होता है, डिफ्रैक्शन की ये कंडीशन होती है, मतलब कि जो लैम्डा है वो डी के आसपास होना चाहिए। ठीक है, तो साउंड का लैम्डा काफी बड़ा होता है कंपेयर टू लाइट, तो वो इतने बड़े लैम्डा के होल्स कह लो या कॉर्नर्स कह लो बड़े आराम से मिल जाते हैं, तो साउंड की डिफ्रैक्शन इसलिए हमें बहुत इजीली ऑब्जर्व हो जाती है। लाइट के लिए जो उतना छोटा अगर हमें चाहिए स्लिट, वो मतलब ऐसे नहीं मिलेगा डे टू डे लाइफ में, वो हमारे को मतलब स्पेशली क्रिएट करना पड़ेगा, तो तभी दिखता है। ठीक है, तो मतलब ये माइंड में रखना है कि डिफ्रैक्शन के लिए डी जो है वो लैम्डा के आसपास होना चाहिए, ऐसे कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती बट उसके आसपास होना चाहिए। ठीक है,
तो जो सेकंड क्वेश्चन है, आपको क्या है फेज डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम पॉइंट्स, जहां फर्स्ट मिनिमम है डिफ्रैक्शन पैटर्न का, फर्स्ट मिनिमम कहाँ आता है, इसको बाय डीएससी से कंपेयर करो, ये फर्स्ट मिनिमम कहाँ पे आता है, वाई इक्वल टू लैम्डा डी बाय डी पे। अब वाई इक्वल टू लैम्डा डी बाय डी पे ये वाली जो दोनों वेव्स हैं इनके बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है बच्चों? टू पाई है ना। ठीक है, मतलब ये जान के ऐसे दिया हुआ है कि एकदम आपके माइंड में ये आए कि हाँ जी मिनिमा बन रहा है तो आप फेज डिफरेंस पाई मार्क कर दो, बट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो तो सारी वेव्स को लेना है ना, सिर्फ एक्सट्रीम को थोड़ी लेना है हमें, इसलिए उल्टा आ जाता है। सिक्स क्वेश्चन, फर्स्ट मिनिमा, तो क्या कंडीशन बन जाएगी, डी साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, यहां से डी निकल आएगा आपका। हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन जो है बच्चों देखो, आई नॉट इज इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमम एंड सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, देन विद डबलिंग द स्लिट विड्थ द इंटेंसिटी बिकम्स। अब बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है, देखो वो ग्राफ याद करते हैं हम, ये क्वेश्चन में ना थोड़ी सी एम्बिग्विटी है कि ये प्रिंसिपल मैक्सिमम किसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूं, अगर तो हम बात करते हैं एग्जैक्टली इस पॉइंट की, सेंटर की, उस पॉइंट की इंटेंसिटी की, ठीक है, तो बताओ उस पॉइंट की इंटेंसिटी को क्या होगा, वो तो सिंपल लॉजिक जैसे हमने सीखा था वो तो डबल हो जाएगा है ना, इजंट इट। ये समझ आ रहा है बच्चों? अगर तो मैं y इक्वल टू जीरो की बात करता हूं, ठीक है, तो एक केस तो हुआ डबल का, दूसरा कई बारी इसका मीनिंग ये भी निकल सकता है, अगेन उससे क्लियर नहीं हो रहा जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसकी लैंग्वेज से, अगर हम बच्चों जो पूरे का पूरा बैंड बनेगा सेंट्रल, ये जो सेंट्रल बैंड है ये हमें पता है कि 2 लैम्डा डी बाय डी विड्थ का बनेगा है ना। अगर हम बच्चों इस पूरे बैंड की इंटेंसिटी की बात करें,
मतलब इस बैंड के ऊपर जो एनर्जी डल रही है अपॉन उसका एरिया, ठीक है? एक बार सोचो इस केस में क्या बनेगा, इस बैंड के ऊपर बच्चों जो एनर्जी डलेगी वो कितनी डलेगी पहले के कंपैरिजन में? एनर्जी तो डबल डल गई सीधा ही है ना, और इस बैंड की विड्थ को क्या हो जाएगा, इस बैंड का एरिया को क्या हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा, क्योंकि अगर आप स्मॉल डी को डबल कर दोगे तो ये जो बैंड है वो इटसेल्फ हाफ हो जाएगा। सोचो ध्यान से, है ना, डिनोमिनेटर में है ना डी, तो मतलब क्या हो गया, एनर्जी डबल हो गई, लेकिन वो जिस एरिया पे डल रही है वो एरिया पहले से हाफ हो गया। तो उस केस में इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, फोर टाइम्स, राइट? तो मतलब खैर इसमें इन्होंने 2i की तो ऑप्शन ही नहीं दी, तो वैसे आप समझ गए बच्चों कि किस केस में डबल आएगा और किस केस में फोर टाइम्स आएगा। इसमें क्या आंसर दिया होगा बच्चों, फोर आई वाला दिया होगा, ठीक है? तो वो फोर इस केस के लिए बात कर रहे होंगे। तो इसको मतलब और क्लियर करने के लिए इसको ऐसे ही कह देते हैं सेंट्रल बैंड, फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात। Seventh question, what should be the width of each slit to obtain 20 maxima of double slit pattern? Within the central maximum of the single slit pattern. So, तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं इस केस में कि ये स्मॉल डी क्या दिया है वन एम, अच्छा डिस्टेंस, नहीं स्मॉल डी तो ये है बच्चों जो नॉर्मल होता है,
ऐसे। अब यहां पे जो विड्थ की बात हो रही है बच्चों, वो इस विड्थ की बात हो रही है। क्या लिखा है? विड्थ ऑफ ईच स्लिट। तो मतलब जो YDSC वाली स्लिट्स थी उन्हीं की विड्थ की बात हो रही है। ठीक है, तो मतलब अगर मैं उसकी विड्थ को टी मानता हूं, ठीक है, तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि उस सिंगल स्लिट से जो ऊपर वाली है टी थिकनेस वाली, हम इमेजिन करो कि उससे डिफ्रैक्शन पैटर्न बन गया। ठीक है, तो जो उससे डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा उसकी कितनी विड्थ हुई सेंट्रल की, मतलब उसके सेंट्रल मैक्सिमम की कितनी विड्थ हुई? 2λd/t। एंड वॉट डू वी वॉन्ट? कि इसके अंदर जो YDSC पैटर्न था उसके 20 मैक्सिमा आ जाते हैं। तो ये किसके इक्वल होगा बच्चों? ट्वेंटी बीटा। लैम्डा डी कट गया, तो जो अपना टी है वो क्या बन गया? d/10। समझ आया बच्चा ये? मतलब रिजल्टिंग जो बनेगा, मतलब बेसिकली क्या हो रहा होगा, दोनों स्लिट्स अपना अपना डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाएंगी, तो रिजल्टिंग जो होगा वो उन दोनों का सुपरपोजिशन टाइप्स होगा। खैर हमें वो नहीं सोचने को बोला, हमें तो ये कहा है कि एक से सोच लो बस कि उसमें क्या होगा। भवन कुछ कह रहे हो? सर सर फिफ्थ क्वेश्चन में वो बताना अभी सेंटर पे 2i कैसे होएगा वो ओरिजिन पे। वो तो जैसे हमने YDSC में बात की थी कि जो इंटेंसिटी होती है वो उसके डबल मतलब विड्थ के प्रोपोर्शनल होती है। सर उसमें तो सर हमने ये नहीं देखा था अभी वो, मतलब उसमें तो फॉर्मूला नहीं लगाया था हमने, जब जब एक स्लिट डबल हो गया था तो √1+2। तो एक स्लिट डबल हुआ था तो लगाया था ना, बट ये तो सीधा कहा था ना कि जो स्लिट डबल हुआ था उसकी इंटेंसिटी तो डबल हुई थी। सर वो तो जहां से सर लाइट आ रही है वहां पे तो सर सेम ही नहीं रहेगी, मतलब जैसे आपने कहा था अभी वो पावर। नहीं, ये तो हम वहां बात कर रहे हैं ना जहां मैक्सिमम बन रहा है बाई इक्वल टू जीरो, उधर बात कर रहे हैं। सर जो अब आपने स्लिट की इंटेंसिटी की नहीं बात कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन। सर जो आपने डायफ्रेक्शन में बताया था अभी IMAX आई है, हाँ तो वो आई मतलब क्या है, मतलब जो पॉइंट सोर्स की है, जो जो पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी है। जो जो हर एक पॉइंट सोर्स की इंटेंसिटी होगी वो आई है कि वो पूरे स्लिट की है जो IMAX है। नहीं, वो ये वाली इंटेंसिटी होगी। जो इस स्लिट के कारण यहां पे इंटेंसिटी बन रही है, इसको हम कह रहे हैं।
मतलब पूरे स्लिट के कारण है, मतलब ऐसे तो नहीं अभी पॉइंट सोर्स की आई है? ना ना स्लिट के। अच्छा तो वही मुझे लगा भी, अगर पॉइंट सोर्स की आई है तो इसमें भी फिर आई नहीं एंड। थैंक यू सर। सर हाँ जी सर, सर जैसे फिफ्थ क्वेश्चन में सर एक जैसे सर एक प्लस पॉइंट ये था कि इसमें ना टू आई नहीं था सर, मतलब तो फिर हमें पता लग गया कि जो हमने पहले कंसेप्ट पढ़ा था जैसे अभी कि वो नहीं लग रहा। हाँ वो वाला नहीं लग रहा कि डबल हो जाएगी एकदम से, तो सर अगर दोनों आगे ऑप्शन में फिर क्या करेंगे, मतलब इस नहीं वो क्लियर होना चाहिए मतलब। तो जैसे एट क्वेश्चन अगर मैं इसका पिछली वाली का एट क्वेश्चन है आपकी स्कीम वो वाला इनवाइडीएससी इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमाइज आई, तो सर अच्छा ये तो इसने YDSC कह दिया सर, अच्छा ठीक है सर तब तो वैसे सोचेंगे। ओके सर, ओके सर। हाँ जी और कोई डाउट बचो? YDSC में पॉइंट सोर्स मतलब मैं समझा नहीं। हाँ जी सर, हम ये नहीं कहते थे जैसे डिफ्रैक्शन में वो मतलब इनफाइनाइट पॉइंट सोर्सेज और YDSC में एक ही होता है, तो सर फिर उससे YDSC में डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसे बन गया? मतलब क्योंकि मतलब आप प्रैक्टिकली सोचो ना, आप स्लिट इतना पतला तो नहीं बना सकते कि आप एक ही बिल्कुल ही एक पॉइंट सोर्स होगा। पॉइंट सोर्स की तो ऐसे कोई डेफिनेशन नहीं होती ना। हाँ जी, तो मतलब वहां पे भी कुछ ना कुछ सोर्सेस तो होंगे ही, कुछ ना कुछ थिकनेस तो होगी ना स्लिट की। वो तो हमारी एक अप्रोक्सीमेशन है कि आप उसको बिल्कुल ऐसा ही मान लो कि वो पॉइंट सोर्स है। ओके सर, हाँ जी। हाँ बच्चों एक्सरसाइज वन। ये बच्चों बस ये जो है ना फर्स्ट और सेकंड, ये बस मतलब ऐसे आपको मॉड्यूल में दिया हुआ है थ्योरी में, बस इतना नाम ही याद रखें कि एक केस में फ्रेसनल होता है, एक केस में फ्रॉनहोफर होता है। ठीक है, और कोई डिटेल नहीं चाहिए, बस ये नाम याद रखना है। तो ये बच्चों जो 12th क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है कि फॉर विच मोस्ट ऑफ द लाइट इज डिफ्रैक्टेड, ये जो हम बात करते हैं, तो ये बेसिकली क्या होता है कि अगेन जो हमारा ग्राफ है उससे हमें आइडिया लग जाता है कि हम कि लाइट का मेजॉरिटी पोर्शन इस सेंट्रल रीजन में ही होता है। ठीक है, जो डिफ्रैक्टेड लाइट है उसका मेजॉरिटी पार्ट इसी रीजन में होता है, बहुत थोड़ा सा पार्ट है जो आगे वाले रीजन में भी पहुंचता है। तो हमें पूछा है बेसिकली कि इसकी एंगुलर फ्रिंज विड्थ पूछी है बेसिकली, एक तरह से एंगुलर डाइवर्जेंस का मतलब है वही एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो वो क्या हो गया, ये हमें पता है कि ये जो थिकनेस होती है ये 2λd/d होती है, तो क्या बन गया 2λd/d डिवाइडेड बाय डी, तो ये 2λd आ जाएगा। ठीक है,
नहीं, उसका कोई सेंस नहीं है कि हम 180 डिग्री बोल दें, मतलब देन दिस क्वेश्चन डज नॉट मेक एनी सेंस, मतलब मोस्ट ऑफ द लाइट के हिसाब से ही बताना है हमें. ओके चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं. हाँ बताओ लास्ट क्लास वाली कौन सी एग्जांपल जो हमने एग्जांपल की थी रिंग वाली, कि जो उसका लोकस है वो रिंग बन रहा है. हाँ. तो इसके अंदर मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोकस है वो हाइपरबोला ही बन रहा है, मतलब वही कंडीशन आ रही है कि टू पॉइंट से डिफरेंस कांस्टेंट है. नहीं उस प्लेन में आपकी कंडीशन ये भी तो है ना कि आपका वर्टिकल प्लेन है. जो भी पॉइंट होगा nth फ्रिंज पे उसका डिफरेंस तो s1 और s2 से कांस्टेंट होगा ना, मतलब डिस्टेंस का डिफरेंस. नहीं मेरे ख्याल से आप मतलब वो तो अगर मैं एक सर्कल बनाऊंगा तो उसमें भी आएगा ही. अगर मैं ऐसे एक ये सर्कल बना रहा हूँ, मैं एक पॉइंट वन लू, एक पॉइंट टू लू, मतलब आप शायद वो मिक्स कर रहे हो कि हमें तो इसी प्लेन में बात करनी है ना. अगर हम इस प्लेन के अंदर ऐसा पॉइंट बनाएंगे जिनका वन और टू से फिक्स डिस्टेंस हो, वो तो सर्कल ही बनेगा. उनका मतलब डिफरेंस भी तो कांस्टेंट ही है. नहीं कौन से प्लेन में है ये, तो जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है ना, डिफरेंस कांस्टेंट होगा डेल्टा एक्स. मतलब आप ये कह रहे हो x1 x2 का डिफरेंस. हाँ ये सर्कल ये होगा कांस्टेंट. यस मतलब जो मैंने सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट लिया उसका वन से तो डिस्टेंस x1 ही होगा हमेशा. हाँ दूसरे का टू x2 ही होगा. सर डिफ्रैक्शन के लिए वेवलेंथ आसपास की होनी चाहिए स्लिट विड्थ के, मतलब ये हम निकाल नहीं सकते, कंडीशन कॉम्प्लेक्स है काम. और सर कॉर्नर्स पे बेंडिंग क्यों कहते हैं हम डिफ्रैक्शन को? वो तो वैसे लेमैन टर्म्स में कहते हैं, असली में तो हमें पता ही है कि इंटरफेरेंस ही हो रही है. ओके बच्चों कुछ और पॉइंट्स इस चैप्टर के, मतलब ये सॉर्ट ऑफ बॉर्डरलाइन टाइप्स कॉन्सेप्ट्स हैं कि पता नहीं सिलेबस में है कि नहीं है, तो हम कर ही लेते हैं. एक तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस भी किया था, तो ऑल्दो वी कैन नॉट प्रूव दिस बट ये एनसीईआरटी में मेंशनड है बच्चों, आपको ख्याल होगा जो हम एक वो सॉल्व्ड एग्जांपल देख रहे थे कि
अगर इंटरफेरेंस पैटर्न को क्लियरली देखना है तो ये S by capital S should be less than lambda by T. ठीक है, तो ये नोट कर ही लेते हैं. लिख लिया बच्चों. अगेन मतलब ये हमें सीधा नहीं समझ आएगा कि फ्रिंजेस ओवरलैप कैसे होने शुरू हो जाएंगे. मतलब हमने तो वो कंडीशंस ही नहीं बनाई जिसमें ऐसा होगा. हमने तो अगेन जो सवाल सॉल्व किया है वो पॉइंट सोर्सेज मान के किया ना, तो मतलब हमारे को हमारे वाले रिजल्ट से नहीं ये समझ आएगा कि फ्रिंजेस ओवरलैप क्यों करेंगे. ओके नेक्स्ट बच्चों, आपको ख्याल होगा कि हमने साउंड चैप्टर में डॉपलर इफेक्ट पढ़ा था, है ना? उसका क्या मीनिंग था? कि भाई अगर सोर्स और लिसनर के बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी है तो साउंड की फ्रीक्वेंसी अलग सुनाई देती है ना? तो बच्चों ऐसे ही डॉपलर इफेक्ट लाइट में भी होता है. ठीक है, कंसेप्ट तो बिल्कुल वही है सारा कुछ. तो लाइट के अंदर भी डॉपलर इफेक्ट होता है. इट इज जस्ट कि हाँ नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अगर हम कहें कि हाँ जी एक पर्सन बल्ब लेके जा रहा है तो हमें बल्ब की फ्रीक्वेंसी अलग नजर आएगी, तो वो इफेक्ट जो है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है. बिकॉज जब हम डॉपलर का फॉर्मूला लगाएंगे उसमें सी आ जाएगा, तो सी के कंपैरिजन में जो दूसरी स्पीड्स हैं वो बहुत ही नेग्लिजिबल होंगी, तो कुछ खास इफेक्ट देखने को मिलेगा ही नहीं. ठीक है, तो अब ये इफेक्ट हमें कहाँ पे देखने को मिल सकता है फिर भी, वो है इन केस ऑफ मोशन ऑफ प्लैनेट्स या फिर स्टार्स. उनकी स्पीड्स बच्चों बहुत हाई होती हैं. ठीक है, मतलब वो स्टिल मतलब नॉट की स्पीड ऑफ लाइट ही हो जाती है, बट एटलीस्ट उसके कुछ फैक्टर पे तो पहुंचते हैं हम. सी बाय 100, सी बाय 50, ऐसा कुछ तक तो पहुंच जाते हैं हम. तो वहां पे हमें फिर भी डॉपलर इफेक्ट देखने को मिलता है. तो हम उसको किस तरीके से यूज करते हैं बच्चों? क्या होता है कि जैसे मान लो ऐसा कुछ है कि ये ओ पॉइंट एक ऑब्जर्वर हो गया और ये एक प्लैनेट है बहुत दूर जिसकी स्पीड मान लो कुछ वी हो गई. ठीक है, तो बच्चों क्योंकि ये डिस्टेंसेस इतने ज्यादा होते हैं तो हमारे को बच्चों सिंपल ऑब्जर्वेशन से ये नहीं पता चलता कि वो जो प्लैनेट है वो हमारी तरफ आ रहा है या हमारे से दूर जा रहा है. क्या इस बात को सारे ऑब्जर्व करते हो? है ना, कोई कोई दूर डिस्टेंट आपको अगर कोई प्लैनेट या स्टार दिखता भी है
यू कैन नॉट टेल एनीथिंग अबाउट कि उसकी मोशन किधर को है, मतलब रादर हमें तो वो रेस्ट पे ही दिखता है ऑलमोस्ट, है ना. तो व्हाट वी डू इज, जैसे मान लो ऑब्जर्वर ओ है, उसने एक लाइट इंसिडेंट की प्लैनेट की तरफ, राइट. ऑब्वियसली इट हैज टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी लाइट. वो प्लैनेट से टकराएगी और टकरा के वापस आएगी, ठीक है. सो इफ यू थिंक, ये सिचुएशन बच्चों कुछ वैसी हो गई जो हम क्लास 11th में करते थे डॉपलर वाले क्वेश्चंस, कि ऑब्जर्वर ने कुछ साउंड प्रोड्यूस की, यहाँ पे ऐसे एक दीवार है वो इधर को जा रही है, तो ऑब्जर्वर को क्या बीट सुनाई देंगी, या ऑब्जर्वर खुद कार में बैठा है वो जा रहा है तो दीवार से टकरा के क्या बीट सुनाई देंगी, याद है बच्चों? तो ये भी बिल्कुल कुछ वैसी सिचुएशन ही हो गई ना. तो जो जो भी हमारी लाइट है वो प्लैनेट से टकरा के वापस ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी और उससे और उसका उस और इस पूरे प्रोसेस में क्या हो जाएगा कि जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी लाइट की. तो चाहे फ्रीक्वेंसी चेंज कहो चाहे वेवलेंथ चेंज कहो, ऑब्वियसली दोनों ही चेंज होंगी, ठीक है. तो इस केस में जो डॉपलर बन जाता है, आया उसी फॉर्मूला से है, बस उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया हमने, वो बन जाता है कि डेल्टा एफ बाई एफ इक्वल टू माइनस डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा इज इक्वल टू माइनस वी रेडियल बाय सी. V रेडियल समझ रहे हो बच्चों क्या मतलब है? V रेडियल का मतलब है वो कंपोनेंट जो ऑब्जर्वर और प्लैनेट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके अलोंग है. जैसे ये राइट पे मैंने जो फिगर बनाया हुआ है, V तो किधर को भी हो सकता है. वी आर पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन द कंपोनेंट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जर्वर एंड प्लैनेट. तो मैंने बच्चों अभी इस मतलब फिगर में आप देखो कि V जो है वो टुवर्ड्स राइट दिखाया है ना, मतलब मैंने ये माना है कि मतलब प्लैनेट दूर जा रहा है. अच्छा अब बच्चों एक बात ध्यान से सोचो, मान लो V पॉजिटिव है मतलब प्लैनेट दूर जा रहे है, ठीक है. तो इस फॉर्मूला से आप क्या बता सकते हो कि लैम्डा को क्या होगा,
v पॉजिटिव है तो लैम्डा इंक्रीज करेगा, मतलब लैम्डा जो है वो टुवर्ड्स रेड शिफ्ट करेगा. राइट तो बच्चों हम एक टर्म यूज करते हैं, इसको बोल देते हैं एक तरह से रेड शिफ्ट. ठीक है, रेड शिफ्ट मतलब वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है. तो रेड शिफ्ट का मतलब क्या है कि वेवलेंथ इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स रेड. ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि प्लैनेट इज मूविंग अवे फ्रॉम अस. ठीक है, ऐसे ही हम एक दूसरी टर्म यूज करते हैं ब्लू शिफ्ट. ब्लू शिफ्ट का मतलब हो गया वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब है कि जो प्लैनेट है वो हमारे से हमारी तरफ आ रहा है. तो ये शिफ्ट देखकर हमें पता चल जाता है कि प्लैनेट हमारी तरफ आ रहा है या हमारे से दूर जा रहा है. राइट तो बच्चों इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आएगा तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों ये बताओ कि जैसे इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है उसमें कहीं पे ब्राइट फ्रिंज आ गया कहीं पे डार्क फ्रिंज आ गया, तो हम एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कह सकते हैं कि क्या होता होगा. तो मतलब क्या होता होगा जब जहां डार्क फ्रिंज हो गया वहां एनर्जी को क्या हुआ, जहां ब्राइट फ्रिंज है वहां एनर्जी को क्या हुआ बच्चों. मतलब क्या एनर्जी कहीं पे डिस्ट्रॉय या क्रिएट होती होगी कि डार्क फ्रिंजेस पे एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई. तो बेसिकली क्या होता है बस एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना. जो एनर्जी ने आइडली पूरे स्क्रीन पे जाना था उसने क्या किया कि कुछ पार्ट कुछ जगहों पे गया ही नहीं और वो सारे का सारा रादर ब्राइट फ्रिंजेस वाली जगहों पर चला गया है ना. मतलब सोचो ऐसे सोचो कि अगर मान लो कुछ इंटरफेरेंस जैसा होता ही ना तो फिर हर जगह इंटेंसिटी 2i 2i होती. अब बिकॉज ऑफ दिस इंटरफेरेंस क्या हो गया, कुछ जगह जीरो हो गई बट बाकी जगह फिर 4i हो गई, तो टोटल तो सेम ही रहेगा. ठीक है, तो बच्चों ऑब्वियस भी है, हमें पता ही है कि नेचर में कहीं पर भी कुछ ऐसा नहीं है जो एनर्जी कंजर्वेशन को वायलेट कर रहा हो. तो इंटरफेरेंस में भी ऐसा नहीं है कि कहीं एनर्जी क्रिएट या डिस्ट्रॉय हो रही है, सिंपली एनर्जी डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. इजंट इट? तो ये भी एक पॉइंट नोट कर लो कि
की एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, वो सिंपली रीडिस्ट्रीब्यूट होती है. क्लियर बच्चों? ओके, सो दिस चैप्टर इज नाउ ओवर. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज मॉडर्न फिजिक्स. और मॉडर्न फिजिक्स में बच्चों जो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब बच्चों आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बात ये हो गई है कि बेसिकली ये मॉडर्न फिजिक्स के ना तीन पार्ट्स होते हैं, एक फोटो इलेक्ट्रिक, एक एटॉमिक और एक न्यूक्लियर. न्यूक्लियर वाला पार्ट कट गया, ये दो बचे हैं फोटो इलेक्ट्रिक और एटॉमिक. मतलब जो पोर्शन बचा है आपका वो एग्जैक्टली सेम पोर्शन केमिस्ट्री में भी है. ठीक है, तो मतलब हम तो कह ही रहे हैं पूरा, लेकिन बेसिकली इससे आपका दोनों पार्ट्स हो जाएंगे, केमिस्ट्री वाला पार्ट भी हो जाएगा, फिजिक्स वाला तो हो ही रहा है. और इसकी वेटेज बहुत है. मुझे नहीं पता केमिस्ट्री में कहाँ था, बट मुझे ये पता है कि 11th में होता था शायद, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक और एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह. हाँ, तो तो मतलब वो सारे का सारा आपका रिवाइज हो जाएगा. और इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है, मतलब ये एक सिंगल चैप्टर जो हम करेंगे इसमें से, मतलब आईआईटी के अंदर तीन क्वेश्चंस तो मिनिमम है जो आते हैं, कई बारी पांच पांच छह छह क्वेश्चंस भी आए हुए. आप सोचो, मतलब तो बहुत ही सही है ये चैप्टर. मतलब आई स्टिल रिमेम्बर, मैं साल भूल गया, पता नहीं 3 साल पुरानी बात है क्या है, मतलब मैंने पूरा कैलकुलेट किया था, पूरे आईआईटी के पेपर में 20% वेटेज थी सिर्फ इस एक चैप्टर की, मॉडर्न की. तो बहुत ही सही है. एंड मतलब सिंपल सा चैप्टर है, कोई बहुत वेरिएशंस बनती नहीं है, तो मतलब फिजिक्स में भी हेल्प करेगा और केमिस्ट्री में भी आपकी हेल्प करेगा. ठीक है, तो इसको करते हैं हम अच्छे से. अभी कोई सिलेबस किसी का अपडेट नहीं हुआ, अभी तो कोई इन्फो ही नहीं आई. ओके, तो बच्चों आप सीक्वेंस देखो, हम जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, हमने ईएम वेव्स पढ़ा है ना, जहां पे हमने बात की कि लाइट असली में भाई एक वेव है. फिर हमने पढ़ा रे ऑप्टिक्स, वहां पे हमने कहा कि यार लाइट की ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि लाइट को रे मान के हम पढ़ सकते हैं. फिर हमने उससे अगला पढ़ा वेव ऑप्टिक्स, लाइट की ऐसी प्रॉपर्टीज
जो कि उसको वेव मान के ही हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो मतलब हमने पढ़ी नहीं, सिलेबस से कट गई, जैसे पोलराइजेशन है, रिजॉल्विंग पावर है, वो भी लाइट की वेव प्रॉपर्टी से ही आती है, तो मतलब लाइट की वेव नेचर भी है। अब बच्चों इंटरेस्टिंगली लाइट की एक और नेचर भी है जिसको हम कहते हैं पार्टिकल नेचर। तो लाइट की बेसिकली तीन तरीके की नेचर्स होती हैं, रे, वेव एंड पार्टिकल। तो इस चैप्टर में ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो फिनोमेना है, दिस एक्सप्लेन्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट बच्चों मतलब इटसेल्फ एक बहुत ही मतलब पेक्यूलियर सी एक क्वांटिटी है, एक चीज है। मतलब आप सोचो कि लाइट की प्रॉपर्टीज पढ़ने के चक्कर में आइंस्टाइन की पूरी थ्योरी बन गई रिलेटिविटी की। मतलब वो स्टार्ट यहीं से हुई थी कि वो लाइट की प्रॉपर्टीज पढ़ना शुरू कर रहा था। तो पेक्यूलियर इन द सेंस कि आप देखो कि कहीं पे रे भी बिहेव करती है, कहीं पे वेव भी बिहेव करती है, और कहीं पे पार्टिकल भी बिहेव करती है वो, है ना। तो देयर आर सर्टन सिचुएशंस जहां पे लाइट ऐसा बिहेव करती है एज इफ इट इज मेड अप ऑफ सम पार्टिकल्स, और इन पार्टिकल्स को बच्चों हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स, ठीक है। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि हम कहीं पर भी बोल दें कि लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स, इट इज ओनली इन सम स्पेसिफिक सिचुएशंस जहां पे हम ये कह सकते हैं कि लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, तो वो हम देखेंगे कि वो कहां कहां हो सकता है। फिलहाल हम सिर्फ इतना बोलें कि अंडर सम सिचुएशंस लाइट बिहेव्स एज इफ इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स क्या हैं, फोटॉन्स, ठीक है। अब बच्चों इन फोटॉन्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? सबसे पहले प्रॉपर्टी, दे आर मासलेस, ठीक है। मतलब हम कहते हैं कि इनका रेस्ट मास जीरो है। व्हाट डू वी मीन बाय रेस्ट मास जीरो? कि मतलब फोटोन जो है वो रेस्ट पे तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, वो जब मोशन में होता है तभी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नहीं, वी कैनॉट से कि फोटोन आर इमेजिनरी, मतलब कुछ ना कुछ तो है ही फोटॉन्स, बट मतलब ऐसा नहीं है कि आपको दिखेंगे। मतलब इसको हम ऐसे कहें कि कुछ प्रॉपर्टीज लाइट की ऐसी हैं जो कि तभी एक्सप्लेन होती हैं अगर हम ये मानते हैं कि लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स। तो दीज आर बच्चों मासलेस पार्टिकल्स, दीज आर चार्जलेस पार्टिकल्स, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं विद स्पीड ऑफ लाइट एंड दे हैव मोमेंटम। अब देखो यहां पे सारा कुछ अजीब हो जाता है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि मास नहीं है, एक तरफ हम कह रहे हैं कि मोमेंटम भी है। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे बच्चों आपके न्यूटन वाले फॉर्मूलाज नहीं लगते। यू डोंट से कि मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी फॉर फोटॉन्स, ठीक है। मतलब ये बेसिकली बच्चों देयर इज अ रीजन कि हम इसको मॉडर्न फिजिक्स क्यों बोल रहे हैं,
ये जो सारे फिनोमिना हैं ये लेटर ऑन निकल के आए, मतलब जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था ये बच्चों आई थिंक 1905 में आया था। न्यूटन बहुत पुराना साइंटिस्ट था, मैंने आपको पहले भी बताया था, राइट? तो ये मतलब हम रफली 115 साल पुराना फिनोमिना पढ़ रहे हैं, और मतलब जो भी आगे पढ़ेंगे वो उसके बाद वाले ही है कुछ, मतलब 100 साल पुराने या कुछ। तो इनको हम फिजिक्स में अभी भी मॉडर्न फिजिक्स में कहते हैं कि मतलब दीज आर रिलेटिवली न्यूअर कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। तो मतलब जब ये सारे कॉन्सेप्ट्स आए तो इससे पहले तो हम सारा कुछ यही मानते थे कि जो न्यूटन ने कहा है वो सब ठीक है। तो वो तो जब आइंस्टाइन आया तो उसने कई जगह पे न्यूटन की थ्योरीज को कॉन्ट्राडिक्ट किया। तो इट सो टर्न्स आउट बच्चों कि जब जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्पीड्स बहुत हाई हो जाती हैं तो न्यूटन की थ्योरीज कॉन्ट्राडिक्ट होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है? तो जैसे यहां तो स्पीड बहुत ही हाई है, यहां तो स्पीड ऑफ लाइट है, तो इसलिए यहां पे ना तो हम मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटी लिख सकते हैं, ना हम यहाँ पे एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखो कि हमने मोमेंटम और एनर्जी को लिखने के लिए एक तरीके से वेव नेचर ऑफ लाइट को यूज किया है ना, लैम्डा इनकॉर्पोरेट हो गया। अदरवाइज तो अगर एक सिंपल पार्टिकल होता तो उसके लैम्डा का तो कोई मतलब ही ना होता। Isn't it? तो ये मतलब ये जो थ्योरीज हैं ये मतलब न्यूटन वाली थ्योरीज यहाँ पे फेल हो रही हैं। हाँ, ये जो हमने मोमेंटम लिखा है ये उससे लिखा है, डी ब्रॉगली वाले रिलेशन से। तो बच्चों ये अभी हमें आगे समझ आएगा, मतलब अभी तो हम प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं फोटॉन्स की, ये हमें अभी आगे समझ आएगा। हम एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे और उसकी ऑब्जर्वेशंस देखेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि यार उस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस तो तभी समझ आती हैं अगर हम लाइट को पार्टिकल्स से बना हुआ मानते हैं, ठीक है? अदरवाइज तो वो समझ ही नहीं आएगा। तो यस, जब नॉर्मल पार्टिकल्स होते हैं तो उसके लिए तो हम पी को एम इंटू वी लिख सकते हैं, है ना? तो वो डी ब्रॉगली रिलेशन ही आ जाता है एग्जैक्टली, लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम वी। बट फोटोन के केस में यू कैन नॉट राइट पी इक्वल टू एम वी। तो बच्चों क्या होता है कि आइंस्टाइन की थ्योरीज के हिसाब से बॉडी का जो मास होता है वो भी उसकी स्पीड पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है? न्यूटन में तो हमने हमेशा ये कहा था ना मास इज कंजर्व्ड, आइंस्टाइन के हिसाब से मास कंजर्व नहीं होता, वो इटसेल्फ स्पीड पे डिपेंडेंट होता है। इसलिए हमने ऐसी टर्म लिखी है जीरो रेस्ट मास, कि मतलब जब रेस्ट पे है तो मास जीरो है फोटोन का, जब मूविंग होगा तो कुछ ना कुछ मास होएगा, बट that goes beyond our scope. ठीक है, मतलब all the everything is based on Einstein's theories. ठीक है बच्चों? तो अब बच्चों इस पे basis पे अगर हम एक case बनाए, मान लो कोई source है बच्चों, उसकी पावर पी है और वेवलेंथ लैम्डा है, ठीक है? कोई बल्ब है मान लो, तो बताओ मुझे
हाउ कैन यू राइट डाउन कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने एमिट हो रहे होंगे पर सेकंड? Write an expression for the number of photons being emitted by the source per second. यस बिल्कुल सिंपल है, यूनिटरी मेथड ही है कि एक फोटोन निकलेगा तो उसके करेस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी हुई, एच सी बाय लैम्डा है ना पर सेकंड। तो टोटल अगर पी करनी है तो कितने होंगे, पी डिवाइडेड बाय एच सी बाय लैम्डा, तो ये बन गया पी लैम्डा बाय एच सी। Is this clear to everyone? Is there any doubt? Okay. तो बच्चों हम ये फोटॉन्स की प्रॉपर्टीज को माइंड में रखेंगे एंड वी विल सी इन सम टाइम कि कैसे इनको हम यूज कर पाते हैं। ठीक है जो अभी बच्चों हम एक टर्म डिफाइन करते हैं वर्क फंक्शन। ये बच्चों जो टर्म है ये हम मेटल्स के लिए डिफाइन करते हैं। ठीक है तो आपको बच्चों ये पता है कि हम कहते हैं कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है राइट, उसका रीजन आप सबको पता है कि भाई हाँ जो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो उनको रूम टेम्परेचर पे ही मिल जाती है तो वो अपने एटम से फ्री हो जाते हैं राइट। तो अगर हम किसी भी मेटल की बात करें तो जनरली एक मेटल के अंदर एक बड़ा पॉजिटिव एक नहीं मतलब कई सारे बड़े पॉजिटिव आयंस होंगे एंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत सारे। तो हम बच्चों कहते हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगेन व्हेन वी से कि दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच्चों इसका मीनिंग क्या होता है? अच्छा बच्चों आपको पता चल ही गया होगा कि आपका अगला टेस्ट जो है वो मेजर टेस्ट है ना।
आपका अगला टेस्ट पे जो मेजर टेस्ट है मतलब, और वो आपका टेस्ट 19th को है, ठीक है, वो संडे को नहीं है, वो तब तो आपकी वो दिवाली वाली हॉलिडे है. सिलेबस आपको अभी मैसेज आ रहा है. एडवांस पैटर्न तो फ्री का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के साथ बाउंड नहीं है. मतलब वो शेल में घूम नहीं रहे, ऐसे ही लिख देते हैं, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन इज नॉट मूविंग इन शेल. राइट. बट बच्चों क्या इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रही, मतलब वो इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर भी निकल सकता है. नो, है ना, उसके ऊपर स्टिल जो पॉजिटिव आयन्स हैं उनकी अट्रैक्टिव फोर्स तो लगी रही है. राइट. तो ये बच्चों जो वर्क फंक्शन जो क्वांटिटी होती है, बेसिकली दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल. ठीक है, कि जो मेटल की सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियसली उसके ऊपर जो पॉजिटिव आयन्स हैं वो अलग अलग पॉजिटिव आयन्स के कारण अलग अलग फोर्सेस लग रही हैं. तो हम इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दें कि वो इन पॉजिटिव आयन्स की अट्रैक्शन से हटकर मेटल से बाहर निकल आए. दिस इज लाइक एस्केप वेलोसिटी, इजंट इट? तो वर्क फंक्शन की बच्चों डेफिनेशन होती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल. अब बच्चों सरफेस की एज सच कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होती कि मतलब सरफेस मतलब कितना बिल्कुल ऊपर या कुछ थोड़ा सा नीचे, बट ब्रॉडली हम कह देते हैं कि कोई मतलब हम बिल्कुल ही जो अंदर ही हो कहीं घुसा हुआ मेटल इलेक्ट्रॉन, हम उसकी बात नहीं कर रहे. ठीक है बच्चों, बहुत बार ना कंफ्यूजन, मतलब बहुत लोग इसको इस वाली एनर्जी को कंफ्यूज कर देते हैं विद आयनाइजेशन एनर्जी. बताओ इस वाली एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी में क्या फर्क है? आयनाइजेशन एनर्जी तो ये होती है कि इलेक्ट्रॉन को शेल से निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी. राइट. और वो भी एक आइसोलेटेड एटम के लिए. यहां पर हम ये मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहर तो पहले से निकला हुआ है, ठीक है, मतलब उसको आयनाइजेशन एनर्जी तो जहां से भी है पहले ही मिली हुई है. अब वो पहले ही बाहर तो है, अब तो बस उसको जो स्टिल जो
अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रही हैं न्यूक्लियस की, उन सब से भी अगर हटा के बाहर निकालना है तो ये वो वाली एनर्जी है। ये बच्चों समझ आ गया? आइसोलेटेड एटम मतलब सिंगल एटम, मतलब जहां पे और एटम्स की प्रेजेंस नहीं है, नहीं तो उससे भी इफेक्ट आएगा ना। अब बच्चों एक बात आप और समझ सकते हो कि अगर हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली बात करें तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन को अलग अलग एनर्जी रिक्वायर्ड हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी पोजीशन क्या है। राइट तो ये जो वर्क फंक्शन होता है ये एक एवरेज वैल्यू होती है, ठीक है? मतलब ये ऐसे नहीं होता कि हम सबकी हर इलेक्ट्रॉन की अलग अलग तो हम निकाल नहीं सकते, तो ये एक तरीके से एक एवरेज वैल्यू होती है। इसको हम यूजुअली जैसा कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी करते थे आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह के लिए, इसको हम यूजुअली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिनोट कर देते हैं। राइट एंड हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा, तो 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल्स। तो बच्चों देर आर वेरियस वेज जिसकी हेल्प से आप ये वर्क फंक्शन वाली एनर्जी दे सकते हो, ठीक है? हीट करके, इलेक्ट्रिक फील्ड से एंड सो ऑन, देर आर मल्टीपल वेज। वो मतलब हमें नहीं समझना, हमें मतलब ये समझना है कि बस अगर किसी भी तरीके से हमने ये एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? हाँ भाई मुझे और चाहिए यस नो कुछ? ओके तो अब बच्चों विद दिस नॉलेज ऑफ वर्क फंक्शन अब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं अबाउट द एक्सपेरिमेंट। बच्चों ये एक्सपेरिमेंट आइंस्टाइन ने कंडक्ट किया था और इसके लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है? ऑल्दो जो मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है दैट इज मच मच बिग कंपेयर्ड टू दिस, ये तो एक बहुत छोटा सा फिनोमेना है, उस टाइम पे नोबेल प्राइज उसको इसके लिए मिल गया था। ओके तो देखते हैं किस तरीके का बच्चों सेटअप था। इसलिए जो बहुत ही सिंपल सा सेटअप है कि ये बच्चों हमने एक मेटल प्लेट ली, ठीक है? और मेटल प्लेट के ऊपर हमने बच्चों
लाइट इंसिडेंट कर दी, ठीक है, और ये दूसरी साइड हमने एक और प्लेट रख दी, और इन दोनों प्लेट्स को बच्चों हमने कनेक्ट कर दिया विद अ बैटरी। एक बच्चों बीच में कुछ इसको मिली एमीटर कह देते हैं, मतलब हम ऐसा एमीटर लगाएंगे जो छोटा करंट मेजर कर सके। ठीक है बच्चों, तो मतलब ब्रॉडली इस सेटअप से क्या होगा, वी नो कि लाइट कैरीज एनर्जी, ठीक है, मैं अभी जान के मैं ये नहीं बोल रहा कि मतलब अभी मैं आपको जनरल एक्सपेरिमेंट समझा रहा हूँ, फिर हम देखेंगे कि ऐसे कौन से कंक्लूजन से जिससे पार्टिकल नेचर का पता चलता है, ठीक है। तो बच्चों अगर हमने कोई लाइट इंसिडेंट की इस पे तो क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है बच्चों कि जो लाइट की एनर्जी है दिस शुड बी greater than a work function, ठीक है, मतलब अगर तो वो work function से कम हुई फिर तो कुछ होगा ही नहीं, फिर तो बात ही खत्म हो गई। of course कुछ ना कुछ light reflect भी हो रही होगी, no doubt। अब जो light बच्चों इस मेटल ने एब्जॉर्ब कर ली, राइट, तो मतलब वो कुछ ना कुछ लाइट ऐसी भी होगी जो इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंच जाएगी, राइट, ऑब्वियसली इट विल बी अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ लाइट, है ना, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ इधर उधर चली गई, कुछ ना कुछ लाइट ऐसी होगी जो इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंच जाएगी। अब जो लाइट इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंची एंड अगर उस लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन सरफेस से इजेक्ट हो जाएगा, राइट, तो इफ एनर्जी ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन W, electrons will be ejected, right? अब तो वैसे तो बच्चों जो electrons eject होंगे they can move in various directions, हर तरफ जा सकते हैं वो, तो इसीलिए हमने दूसरी साइड पे एक पॉजिटिव प्लेट लगा दी जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ठीक है। तो दीज इलेक्ट्रॉन्स
get attracted towards the positive plate right. So as a result bachcho kya ho gaya, circuit complete ho gaya, circuit ke andar current flow karna shuru ho gaya ek tarah se. नहीं, यहाँ पे जो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, मतलब कैपेसिटेंस वाला रोल नेग्लिजिबल हो जाएगा. तो एक करंट सेटअप हो गया सर्किट के अंदर. ये प्लेट हमने मतलब बैटरी लगा के पॉजिटिव की है ताकि इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो. ठीक है बच्चों, तो ये ब्रॉडली एक्सपेरिमेंटल सेटअप है. तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इसमें हम कुछ कुछ वेरिएशंस प्रोड्यूस करेंगे कि बैटरी की वोल्टेज चेंज की, लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज की, उससे हम देखेंगे कि हमारी ऑब्जर्वेशंस पे क्या इफेक्ट आता है एंड फिर हम देखेंगे कि कैसे पार्टिकल नेचर का पता चलता है. ठीक है जी, चलो दैट्स इट. आप लोगों ने बच्चों रे ऑप्टिक्स एक्सरसाइज 2 कर ली. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में पहले उसकी डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे. इस चैप्टर को बच्चों प्लीज शुरू से अच्छा मतलब कर लो पूरा प्रॉपर राइट. मैंने आपको बता दिया कि इसकी इंपॉर्टेंस है बहुत. टेस्ट के भी कोई डाउट्स जो हुए बच्चों पूछ लेना अगली क्लास में, ठीक है, मुझे स्टार्टिंग में बता देना, मैं टेस्ट भी करा दूंगा डिस्कस. ठीक है जी, ओके बच्चों, बाय.